बहुत समय से इंतजार कर रही है। गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं, आज मौसम खराब था शिमला में, तो फिर एक समय में जो पायलट थे वो कह रहे थे कि शायद जाना उचित नहीं है। बघेल जी ने कहा कि नहीं नहीं किसी भी हालत में हमें जाना है। और मुझे मुझे आपकी फोटो दिखाई किसी ने कि आप सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हमें किसी भी हालत में कोशिश करनी चाहिए और आपके पास पहुँचना चाहिए। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आज यहाँ आए मेरी बातों को सुनने के लिए। श्री भूपेश बघेल जी, श्री प्रीतम सिंह जी, श्री अजय बहादुर सिंह जी, श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, श्री विनय कुमार जी, श्री किरणेश जंग जी, श्री अजय सोलंकी जी, श्री आनंद परमार जी, श्री आशिक मोहम्मद जी, आप सबका, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्तागण, नेतागण, आप सबका और भाइयों और बहनों आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ये माता रेणुका जी की धरती है, भगवान परशुराम जी की धरती है, माता भंगाइनी की धरती है। इस धरती से असत्य के खिलाफ सत्य की आवाज हमेशा उठी है। माता भंगाइनी साम दाम दंत भेद को पराजित करने वाली देवी थी। माता के आशीर्वाद से यही खासियत पूरे हिमाचल के लोगों की है। आज सिरमौर की जनता द्वारा मैं पूरे हिमाचल को संबोधित करना चाहती हूँ, आपसे अपील करना चाहती हूँ। चुनाव का आखिरी दिन है, 12 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे। आपके पास, आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या चुनने जा रहे हैं, अपने आप से पूछिए। क्या सिर्फ आप दो राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव करने जा रहे हैं कि हम इनको चुनेंगे या उनको चुनेंगे, या आप अपने भविष्य के लिए अपना वोट डालने जा रहे हैं? जरा इस बात को आप ठीक से समझिए, क्योंकि इस मंच पर खड़े होकर आपसे कोई भी कुछ भी कह सकता है। आज मैं खड़ी हूं, मैं तमाम वादे कर सकती हूं, कोई और आएगा वो भी कर सकता है। आजकल की राजनीति बहुत बदल चुकी है। एक समय में जब मेरी दादी जी इंदिरा जी होती थी, मेरे पिताजी होते थे, तो एक अलग राजनीति थी। यहाँ पे जो बुजुर्ग बैठे हैं, शायद जब घर पे बैठकर आप चर्चा करते हैं तो आप यही बात करते होंगे कि दुनिया कितनी बदल गई है, राजनीति कितनी बदल गई है और कैसे बदली है। इस पर मैं 2 मिनट आपका समय लेना चाहती हूँ। देखिए, हमारे देश की जो राजनीति है उसका आधार कहाँ से बना, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता संग्राम में जब महात्मा गांधी जी ने सत्य की बात की तो एक आध्यात्मिक आधार दिया इस देश की राजनीति को। और हमें गर्व होना चाहिए कि किसी और देश की राजनीति में इस तरह का आधार नहीं था। कोई ऐसा आंदोलन नहीं था उस समय जो सत्य के आधार पर लड़ा गया, अहिंसा के आधार पर लड़ा गया। वही हमारी राजनीति की नींव है। लेकिन आज क्या देखते हैं हम? आज हम देखते हैं कि पैसों का बोलबाला है, झूठ का बोलबाला है। आज आपके सामने खड़े होकर नेता कुछ भी बोल सकता है, कल उसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं रही, उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं रही। कभी कहते हैं कि आपके लिए बिजली मुफ्त दिलवाएंगे, पेयजल मुफ्त दिलवाएंगे, और फिर 5 साल बाद आपको पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। तो एक माहौल बन गया है, मीडियाबाजी बहुत होती है। आप टीवी चलाते हैं, इश्तिहार देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि तमाम काम हो चुके हैं आपके प्रदेश में, लेकिन असलियत कुछ और है। तो आज आपके सामने खड़े हुए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि आप अपने अनुभव पर, अपनी परिस्थितियों के आधार पर
अपना वोट दें, क्योंकि ये वोट आपका है। आप समझते हैं कि 5 सालों में किसने आपके लिए क्या किया। भाजपा के बड़े बड़े नेता यहां आए, हिमाचल में मैं देख रही थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपको स्थिर सरकार दे ही नहीं सकती। आजादी से लेकर अब तक सबसे स्थिर सरकारें किसने दी हैं? और इस देश में अस्थिरता किसने फैलाई है? सरकारों को गिराने वाले कौन हैं? बनी बनाई सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार और पैसों से विधायकों को खरीद कर उसको गिराने वाले कौन हैं? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके सामने है। इस प्रदेश को जब बनाया गया तो सबने इंदिरा जी से कहा यह प्रदेश चल नहीं पाएगा। इंदिरा जी ने आपके भरोसे इस प्रदेश को बनाया। यहां जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने ये प्रदेश बनाया, यहां के कर्मचारियों ने ये प्रदेश बनाया, यहां के नौजवानों ने ये प्रदेश बनाया। और पूरा भारत देश आज देखता है कि अगर सबसे शिक्षित नौजवान है तो हिमाचल के हैं, सबसे सक्षम है तो हिमाचल के हैं, सबसे जागरूक जनता हिमाचल की है। तो इस जागरूकता को आप कभी मत बुझाइए, इसे जीवित रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले 5 सालों की स्थिति देखिए, हिमाचल प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्ज में है, 70,000 करोड़ के कर्ज में है। यहां की 30 लाख नौजवान की आबादी है, तमाम नौजवान पढ़े लिखे हैं। आपने मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि उनका भविष्य बने, ऐसे 30 लाख बच्चे आज हिमाचल प्रदेश में हैं, जिसमें से 15 लाख बेरोजगार पड़े हैं। यहां कितने नौजवान हैं, हाथ उठाइए। अब पिछले 5 सालों में जिस जिस को नौकरी मिली है वो हाथ खड़ा रखे, बाकी नीचे करिए। नहीं मिली ना नौकरी, नहीं मिली। अब आपको बताया जाता है, भाजपा के मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये करना संभव ही नहीं है, नौकरी दिलवाना संभव ही नहीं है। लेकिन 63,000 रोजगार, 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 5 सालों से खाली पड़े हैं, और यहां हजारों नौजवान बेरोजगार हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि नियत सही नहीं है। ओपीएस की बात करते हैं, हम किस आधार पर कह रहे हैं कि हम आपको ओपीएस दिलवाएंगे? ये चुनावी जुमला नहीं है। यहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी, छत्तीसगढ़ में आज ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है। भाजपा के नेता, बड़े से बड़े नेता कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है इसके लिए। तो फिर मैं उनसे पूछती हूं कि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं बड़े बड़े, उनके कर्ज माफ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए कहां से आते हैं? अगर इस देश के कर्मचारी के लिए आपके पास पैसे नहीं है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, कि पूरी जीवन देश की सेवा करता है वो, और उसके बाद उसको पेंशन ना मिले, और आप कहते हैं उसके लिए पैसे नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास के लिए आपके पास पैसे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं वो पैसे कहां से आते हैं? अगर इस देश के वासियों की जेब से नहीं आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? इस सरकार ने आपकी नौकरियां छीनी है, आपका रोजगार छीना है, आपका पेंशन छीना है, महंगाई बढ़ाई है। महंगाई को घटाते थे जब ये आए थे, 5 साल पहले कहा था महंगाई घटाएंगे, आज सेब की पैकेजिंग के गत्तों पर भी जीएसटी लगा रखी है। आज आप गैस के सिलेंडर को खरीदने जाती हैं तो क्या करती हैं आप? कितना दे रही हैं आप गैस के सिलेंडर के लिए, बताइए? पहले कितना होता था, 5 साल पहले
तो आपकी मदद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनकी नियत ठीक नहीं है। तो पहचानिए, और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, अपने अनुभव पर उतरिए, जो आपने देखा है उसके आधार पर वोट डालिए। इनकी बातों में गुमराह मत होइए, क्योंकि मीडिया नेता ये गुमराह करने के लिए तमाम बातें करेंगे, लेकिन अगर ध्यान से आप इनके चुनावी प्रचार को भी सुने तो आपको ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में इन्होंने किया क्या, कौन से अस्पताल खोले, कौन सी सुविधाएं दिलवाई, कौन से शिक्षा के संस्थान खोले, महंगाई कैसे घटाई, बोल नहीं सकते, किया नहीं। इसलिए जैसे मैंने कहा, एक आधार था हमारी राजनीति का, यशवंत परमार जी जो आपके पहले मुख्यमंत्री थे, जिनके कहने पर इंदिरा जी ने हिमाचल प्रदेश बनाया, वो इस बात को समझते थे। वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने दिन रात एक करके हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया, वो इस बात को समझते थे, दिल पे लिए हुए थे इस बात को। इसीलिए गांव-गांव में छोटे छोटे अस्पताल बने, पीएचसी बने, इसीलिए शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र मिले, बने, ट्रिपल आईटी बना, आईआईटी बना, मेडिकल कॉलेजेस बने। ये सब काम किसने करवाया और क्यों करवाया? क्योंकि वो जानते थे कि जब हिमाचल प्रदेश की जनता आगे बढ़ेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक मानसिकता थी, और वो मानसिकता मैं कहना चाहती हूँ आज भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है। आज भी हम जानते हैं कि हमें आपको खड़ा, आपने हमें खड़ा किया है इस मंच पर, आपने खड़ा किया है, आपने बनाया है। जब आप यहां से मैं आ रही थी हेलीपैड से, आप सब वहां खड़े थे रास्ते पे, इतने प्रेम से मुझसे मिले। मैं आपके चेहरे पे देख सकती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? मुझसे मिले तो नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी दादी जी ने आपके साथ एक रिश्ता जोड़ा, उस रिश्ते को आज मैं निभा रही हूं। क्या रिश्ता था? प्रेम का रिश्ता था, सेवा समर्पण का रिश्ता था। आपका इतना सुंदर प्रदेश है, मैं भी एक तरह से यहीं की निवासी हूं, और पेंशन मिले ना मिले रिटायर तो मैं यहीं होऊंगी। इतना सुंदर प्रदेश है, आप इसके प्रति अपनी निष्ठा निभाओ, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ये जो नौजवान लड़कियां बैठी हैं जिनको आपने पढ़ाया लिखाया है, जो नौजवान यहाँ खड़े हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, इनके प्रति एक जिम्मेदारी बनती है आपकी, हमारी तो है ही, हमारा कर्तव्य है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आज जो फैसला आप लेने जा रहे हैं उसे सोच समझ के लीजिए। भरोसा बातों पे मत करिए, काम पे करिए। काम देखिए आपके लिए किसने किया, और कौन बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन काम नहीं करके दिखाता। ये बात आप समझ जाएंगे तो आप अपने भविष्य को मजबूत बना पाएंगे। कांग्रेस पार्टी आज क्या कह रही है और किस आधार पर कह रही है ये भी बताऊंगी मैं। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 1500 रुपए हर माह देंगे। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि आप पर क्या बोझ है, पूरा समाज का बोझ उठाती हैं आप। आज यहाँ बैठी हैं धूप में, 2-3 घंटे आपके हो गए, घर जाके खाना आप पकाएंगी, सबकी परवरिश आप करेंगी, काम है नौकरी है तो वो भी करेंगी। ये नहीं है कि नौकरी करके घर आकर आप आराम कर सकती हैं, सब आराम करेंगे लेकिन आप उनकी देखभाल करेंगी। बहुत बड़ा बोझ है, और किस सहनशीलता, किस शक्ति से हमारी माताएं, बहनें, बेटियां इसको संभालती हैं। पूरे देश का जो भविष्य है आपके हाथों में है, लेकिन आपकी मदद कोई नहीं करता। कोई ये नहीं सोचता कि अगर थोड़ा सा पैसा हर महीने आपके खाते में चले जाए तो आपको सुविधा होगी। कोई आपको सशक्त नहीं बनाना चाहता। जब आपकी बात होती है तो कहते हैं हम सिलेंडर दे देंगे, एक मिल गया, उसके बाद मिले ना मिले हमारा प्रॉब्लम नहीं है।
कोई ये नहीं कहता कि अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हम आपकी मदद करेंगे, कोई ये नहीं कहता कि आपके लिए हम खास रोजगार बनवाएंगे, कोई ये नहीं कहता कि हम खास महिलाओं को शिक्षित करेंगे, क्योंकि हमारा देश उनका है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब पहली मीटिंग होगी नई सरकार की मंत्रिमंडल की, तब उसी दिन निर्णय लिया जाएगा कि आपको 1,00,000 रोजगार दिए जाएंगे। किसको? ये तमाम नौजवान सेना जो यहाँ पे खड़ी है, आपको। ये आपका हक है, कोई आपको दान नहीं दे रहा है, ये आपका हक है, इस हक को मांगो। हम ये भी कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ओपीएस पर निर्णय होगा, आपको ओपीएस मिलेगा, ये आपका हक है। आपने पूरे जीवन काम किया है इस देश के लिए। हिमाचल प्रदेश को अगर किसी ने बनाया तो हिमाचल के कर्मचारियों ने बनाया है। सबसे ज्यादा कर्मचारी इस देश में यही है, इस प्रदेश में। आपका सम्मान होना चाहिए, आपका आदर होना चाहिए। पैसे कहीं से भी निकालने पड़े उनको निकाला जाना चाहिए। आपके पेंशन के लिए काटे बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज को। यही सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए काम करना चाहती है। हमने निर्णय लिया है कि हर विधानसभा में कम से कम 4 पाठशालाएं बनाएंगे इंग्लिश मीडियम, ताकि शिक्षा को एक और शक्ति मिले आपके प्रदेश में। जो पीएचसी है आज चल नहीं रहे हैं। आज की जो सरकार है वो पीएचसी पड़े हुए हैं, वहां पे ठीक ढंग का इलाज नहीं होता। कोई बड़ी बीमारी होती है तो दूर दूर जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं हम उनमें सुविधाएं देंगे, आपको उनको मजबूत बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि 5 सालों में 5,00,000 रोजगार बनाकर आपको देंगे। और नौजवानों, एक बात समझ लो अच्छी तरह से, इस देश में रोजगार आता कहां से है? आता कहां से? सबसे पहले तो पीएसयू से आता था। क्या थी पीएसयू? देश की संपत्ति। जो बड़ी बड़ी देश की सरकारी कंपनियां होती हैं, जिसमें सरकारी कंपनियां आपको नौकरी देती थी, यहां से बहुत रोजगार आते थे। आज भाजपा की सरकार ने क्या किया है? कहते हैं गरीब के लिए चला रहे हैं ना सरकार, सच्चाई क्या है? जहां से सबसे ज्यादा रोजगार मिलता था गरीबों को, उन्हें अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को तमाम पीएसयू बेच दिए, रेलवे बेचने की कोशिश, हर चीज को बेच दिया है। तो जो एक जगह थी जहां से रोजगार मिलता था उसको तो बेच दिया अपने मित्रों को। अब दूसरा रोजगार कहां से आता था? छोटे छोटे व्यापार से। यहाँ पे मैं देख रही थी काफी दुकानें हैं, छोटे व्यापार हैं ये। ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, छोटे छोटे अपने बिजनेस करते हैं, इनको क्या किया इस सरकार ने? यहां से रोजगार पैदा होता है। जीएसटी थोपी, कोरोना आया। अरे विश्व भर में कोरोना आया था, कोई बहाना नहीं है कि कोरोना आ गया है, ठीक है आपकी कमाई नहीं हो रही है, बहाना नहीं है। बाकी देशों में जब कोरोना आया तो छोटे व्यापारियों को मजबूत करने के लिए तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई, यहाँ कुछ नहीं दिया गया। यहाँ कोरोना आया, आपको पीपी किट का घोटाला मिला, लेकिन आपको कोई मदद नहीं मिली जो छोटे व्यापारी है। तो यहां से रोजगार बनता था, ये भी कम हुआ। तीसरा, जैसे मैंने कहा, सरकारी नौकरियां। अब सरकारी नौकरियां 63,000 खाली पड़ी हुई है। क्यों क्यों? अरे पद खाली है, नौजवान खाली है, उसे पद दो ना, क्यों नहीं दिया? तो ये परिस्थितियां हैं। सच्चाई ये है कि अगर आपके लिए रोजगार बनाने की नियत होती तो ना पीएसयू बेचे जाते, ना आपको छोटे दुकानदारों को, छोटे जो व्यापारी हैं, ना उनको जीएसटी द्वारा दबाया जाता, या दूसरी जो कोरोना आई तो उनकी मदद होती, और ना ये सरकारी पद खाली रहते। तो आगे आप क्या चाहते हैं? अब आप ही मन बना सकते हैं। हम तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन विवेक आप में है, हमेशा रहा है। और मेरी दादी जी हमेशा कहती थी कि जनता का विवेक सर्वोपरि है। अगर आपने इस चुनाव में किसी और को चुन लिया तो मैं कहूंगी कि वो भी आपका ही विवेक है, आप सीखोगे अपने अनुभव से, आप देखोगे कि क्या होगा। तो 5 साल बीत गए,
5 सालों में आपने देखा इस सरकार ने आपके लिए क्या किया। आगे 5 साल आने वाले हैं, क्या 5 साल और व्यर्थ करने के लिए तैयार हैं? बताइए। सुनाई नहीं दे रहा? नहीं ना। आज जो आपका बच्चा 20 साल का है, क्या 25 साल तक इंतजार करेगा कि उसको अभी नौकरी मिलनी चाहिए? जिसको आज पेंशन देना चाहिए, क्या वो 5 साल इंतजार करेगा? जिसको आज 1500 रुपए प्रति माह मिलने चाहिए, क्या वो 5 साल इंतजार करे? और इंतजार करके मिलना भी क्या है, जब खुद ही कह रहे हैं इनके मुख्यमंत्री कि कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे, कांग्रेस पार्टी कह रही है रोजगार देगी, हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी कह रही है पेंशन देगी, हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महिलाओं को प्रति माह 1500 दे, हो नहीं सकता। तो भाई हो नहीं सकता तो तुम मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हो? तो जयराम जी की जयराम जी। नया मुख्यमंत्री चुनो। अब देखिए कि मंच पे खड़े होके आपको बताया जाता है कि आप अगर दवाई बदलेंगे तो आपका इलाज नहीं होगा, जैसे कि पूरा हिमाचल प्रदेश एक मरीज है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? फिजूल की बातें हैं। आप कहिए कि आपने 5 सालों में किया क्या? अगर किया है तो उस आधार पर जरूर वोट दीजिए, लेकिन किया ही नहीं ना, इसीलिए ऐसी बातें हो रही है मंच पर। तो आप सब कुछ समझते हैं, मैं जानती हूं। आप अच्छी तरह से नेताओं की नीयत पहचानते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नेता हम लोगों को भ्रष्ट कहते हैं, उन्होंने पीपीई किट के घोटाले किए, उन्होंने पुलिस भर्ती के घोटाले किए, उन्होंने शिक्षक भर्ती के घोटाले किए, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो बस बातों में मत पड़िए, मैं फिर से कह रही हूं, अपने अनुभव पे उतरिए। आपके लिए किसने किया है उसको पहचानिए, अपनी ऐसी सरकार बनाइए कि 5 सालों में आपके प्रदेश को पूरा देश देखकर कहे हाँ देखो इन्होंने सही निर्णय लिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किसकी है ये भारत माता? जोर से बोलो, किसकी है? किसका है ये हिमाचल प्रदेश? किसने बनाया ये हिमाचल प्रदेश? इसकी रखवाली करो, इस प्रदेश की, इस देश की रखवाली करो। आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। मेरे परिवार के सदस्यों ने जान दिया इस देश के लिए, और मैं जानती हूं कि हिमाचल प्रदेश के परिवार, हजारों परिवार हैं जिनके बच्चों ने भी कुर्बानी दी है इस देश के लिए। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं कि सरहद पे आप अपने बच्चों को भेजते हैं। हिमाचल प्रदेश के तमाम नौजवान आज सरहद पे खड़े हुए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति, आने वाली पीढ़ी के प्रति और अपने देश के प्रति। मैं जानती हूं आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, आशा है कि आपके दिल में मेरी बात उतरी है और आप सोच समझकर अपना वोट देंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद।